तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आप देख रहे हैं ये मेरा पिटोनिया का जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरिंग कर रहा है। तो आप लोगों के पास भी होंगे, बहुत लोगों की क्वेश्चन होते हैं कि हमारा पिटोनिया अच्छा नहीं हो रहा है या सूख रहा है या उसमें फ्लॉरिंग नहीं हो रही है। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि इसको बहुत अच्छी धूप चाहिए होती है। तो जहाँ पर भी धूप हो तो आप अपने पॉट को वहाँ पर रखिए और इसको पानी भी डेली आप थोड़ा थोड़ा देते रहिए, क्योंकि इसमें पानी और धूप बहुत ही ज़रूरी है। बाकी खाद वगैरह इसकी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये 3-4 महीने चलने वाला एक फ्लावरिंग वाला प्लांट है और इसके फ्लावर भी बहुत दिनों तक रहते हैं। आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में थोड़ा फ्लावर थे, अभी देखिए पूरा फ्लावर से भर गया और इसमें छोटे छोटे और कलियाँ भी आई हुई हैं। और ये जब मैं लाई थी बहुत छोटा सा था, अब ये फैल भी रहा है। अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाएंगे तो और अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि ये फैलने वाला प्लांट है और जितना इसको स्पेस मिलेगा उतना अच्छा ये ग्रो करेगा। और इसको बीच बीच में आप इसकी गुड़ाई भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये बहुत ही कम केयर वाला प्लांट है, ये बहुत ही सारे कलर में अवेलेबल रहता है। अभी मेरे पास इसकी एक ही वैरायटी है, क्योंकि वहाँ पर नर्सरी में पता नहीं चल पा रहा था कि इस पर कौन से कलर के फूल आएंगे, इसलिए मैं एक ही लाई थी। ये बहुत सारे कलर में, सिंगल कलर में, डबल कलर में, मल्टी कलर में अवेलेबल रहता है। और ये ऐसा प्लांट है जो फूलों से भरा रहता है, तो आपके गार्डन को भी एक बहुत ही अच्छा लुक देता है।